हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सभी? मैं हूँ प्रियंका और मैं बहुत बहुत अपने दिल से स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल देसी छोरी व्लॉग्स पर। आज शायद टोन मेरा कुछ अलग हो गया, मुझे खुद को भी फील हो रहा है, आपको भी लग रहा है क्या बताना मुझे। और डेट है आज 29th of November और दिन है आज फ्राइडे, कल है सैटरडे और कल निश्चय का पीटीएम है। वैसे तो आज भी निश्चय स्कूल नहीं गया क्योंकि उसकी तबीयत कुछ ढीली सी लग रही थी, तो फिर उसका मैंने छुट्टी ही करा दी कि चलो ज़्यादा हो, मतलब हल्का हल्का फीवर सा महसूस हो रहा था, मुझे थकावट सी लग रही थी उसको, तो फिर मैंने कहा कि ज़्यादा होगा तो ज़्यादा छुट्टियाँ करानी पड़ेगी, इससे बेटर है कि घर पर ही रख लेती हूँ। सर्दी भी कुछ ज़्यादा ही हो गई है, कल से यहाँ पर ज़्यादा सर्दी हुई है, इतनी तेज़ हवाएँ चली थी कल, पूरा दिन हवाई हवा चलती रही थी, रात को भी जब उठ रही थी बहुत तेज़ तेज़ हवाएँ चल रही थी। और कल सैटरडे है, अगर निश्चय की तबीयत ठीक हो जाएगी, आज हो ही जाएगी क्योंकि एक दो दिन से चल रही है उसकी तबीयत ढीली, तो इतना ही होता है, बच्चों का दूसरे तीसरे दिन आराम हो जाता है, अगर उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी तो कल मैं जाऊंगी अपने घर से मतलब अपनी मम्मी के घर। हाँ बेटे, ओके फाइन, ओके बेटा। और निश्चय की हो जाएगी तबीयत ठीक कल तक, आज भी उसको मतलब मुझे आराम से ही लग रहा है, कल से बेटर है मतलब आज तो, वैसे अच्छी तरह से मतलब ये भी नहीं कि बहुत तेज वगैरह बुखार था, तो कल उसकी अच्छे तरीके से अगर तबीयत ठीक हो जाएगी तो मैं जाऊंगी अपने घर, क्योंकि इसके पापा ये बोल रहे हैं कि इसको ना मतलब नानी 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 बहुत दिन से कर रहा है, ये लगभग एक हफ्ता हो गया इसको, नानी को बुला लो, नानी के पास चलो, नानी को बुला लो, नानी के पास चलो, मतलब इसकी यही दो बातें रहती है, उठते बैठते यही रहता है इसको। तो हमारे में ये बोला जाता है कि बच्चे को ना चोट डे लग जाते हैं, तो इसके पापा को ये भी हो रहा है कि कहीं इसको याद याद में ही ना तबीयत खराब हो रही हो इसकी, क्योंकि ठंड वंड जैसा मतलब ऐसा कुछ लगा नहीं मुझे, क्योंकि मैं इसको हमेशा ही कपड़े वपड़े पहना के रखती हूँ। तो देखते हैं, एक दिन घूम आएंगे, मिलवा लाएंगे इसको, कल मैं जाने वाली हूँ मतलब अपने घर। वैसे देखा जाए तो हमारा घर है कौन सा, जब यहाँ से वहाँ जाते हैं और पीछे से कोई आ जाता है तो बोल देते हैं, जैसे अभी दादी आई थी तो दादी ने मेरे को बोला, ऐ मैंने सुनी है तू कल अपने घर जाओगी, तो मतलब यहाँ वाले लोग उसको हमारा घर बता देते हैं कि तू अपने घर जाएगी, या पीछे से कोई आए तो हाँ भाई वो तो अपने घर गई हुई है, और जब हम वहां से चलते हैं तो वो लोग इस घर को बोल देते हैं कि भाई वो तो अपने घर गई, कोई ये नहीं बोलता कि अपने ससुराल गई या अपने मायके गई, वो अपने घर गई, तो समझ ही नहीं आता भैया आखिरकार लड़की का अपना घर है कौन सा, ये वाला घर या वो वाला घर। और अगर दूसरे नज़रिए से देखा जाए तो हमारे तो मजे है भाई, दोनों ही घर हमारे हैं, यहाँ वाले लोग उसको अपना मेरा घर बता देते हैं और वहाँ वाले लोग इसको हमारा घर बता देते हैं, और चाहे कोई कहे ना कहे लेकिन असली घर तो अब यही है और यही है, बस सच्चाई यही है। तो और देखो अच्छा भी इसी घर में लगता है अगर हम अपने घर जाके रह भी रहे हैं, कोई मतलब मैं स्पेशली किसी के लिए नहीं बोल रही, लेकिन आप किसी को भी लेके चलो, अगर कोई भी मतलब लड़की अपने घर रहती है तो लोग उसे कितने दिन बर्दाश्त कर लेते हैं, घर वाले बर्दाश्त कर लेंगे, लड़की रह लेगी, लेकिन बाकी लोगों को सहन नहीं होता, सोसाइटी को ये बर्दाश्त नहीं होता कि किसी की लड़की उनके घर पे रह रही है, उन्हें ही बिल्कुल नहीं भाता। तो देखो अच्छा भी यहीं रह के लगता है, आप लोगों को भी अच्छा यहीं, आप लोगों से मतलब सोसाइटी को मतलब जो आसपास के लोग होते हैं उनकी मैं बात कर रही हूँ, उनको भी हमें यहीं देख के अच्छा लगता है, अपने घर गए तो उन्हें बस एक दिन दो दिन चार दिन बस इतना ही अच्छा लगता है, उससे ज़्यादा देखो अच्छा लगता भी नहीं है। और जब अपना घर हो जाता है, जब अपना बच्चा हो जाता है, तब तो मोह भी मतलब अपने आप ही यहाँ पे पड़ने लग जाता है, पहले मन नहीं लगता था, मैं भी बहुत रोया करती बहुत ज़्यादा, लेकिन जब बच्चा हो जाता है और फिर बच्चा स्कूल जाने लग जाता है तब धीरे 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 मोह होने लग जाता है इस घर से। तो अब कर लेते हैं काम शुरू और फिर मैं मिलूंगी आपसे। हाँ निश्चय कुछ बोलना है आपको, बाल कैसे हो रहे हैं आपके, इधर आओ। तो चलिए अब किचन में आ जाते हैं, और इसके बाद यहाँ पे मैंने कुकर रख दिया है, कुकर में देसी घी डाल दिया है, और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ चावल जो कि मैंने दो तीन बार पानी में धो के, ताकि उनका वो जो सफ़ेद सफ़ेद होता है वो निकल जाए, और उसके बाद मैंने उनको भिगो के छोड़ दिया था, और यहाँ पे इनको अच्छी तरह से भून लूँगी, मतलब सूखा ही मैं भून रही हूँ घी में, पानी अभी नहीं डाला है, ना कोई जीरा वीरा कुछ नहीं डाला, मतलब क्योंकि आज मैं मीठे चावल बनाने वाली हूँ। और जब ये मेरे अब भुन गए थे, इसके बाद मैंने दो चार मिनट इनको चलाने के बाद
यहाँ पे डाल दिया है गरम पानी, जो कि साइड में आपने देखा ही है मैंने रखा हुआ था। गरम पानी डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर ले रही हो। सर्दी है इसलिए मैंने गरम पानी डाल दिया है, वरना कोई ज़रूरत नहीं होती। और अब ये उबलने मेरे शुरू हो गए हैं, आप देख ही सकते हो। और अब मैं इनको एक जाली से ढक करके छोड़ दूंगी, क्योंकि ये फिर डर रहता है अगर जाली वाली ना ढके तो कुछ गिर ना जाए, और वाइट चीज़ में फिर वो अलग से ही दिखता है, चाहे एक कुछ भी तिनका ही क्यों ना गिर जाए, किसी भी चीज़ का। तो यहाँ पे अब ये लगभग लगभग मेरे गलने शुरू हो चुके हैं, तो इसके बाद मैं यहाँ पे डाल दूँगी गुड़। तो मीठे चावल गुड़ में ही अच्छे बनते हैं ऐसा बोला जाता है हमारे में, चीनी बूरा के साथ इतने अच्छे नहीं लगते ये चावल। जब सफ़ेद बनाते हैं तो थोड़ी बहुत चीनी बूरा मिला के, चीनी या बूरा, कुछ लोगों के अपने अपने टेस्ट होते हैं सभी के। कुछ लोग होते हैं कि चीनी के साथ खाना पसंद करते हैं, कुछ होते हैं कि बूरा के साथ खाना पसंद करते हैं, तो उसमें तो मिला के अच्छे लगते हैं जो बिल्कुल सफ़ेद चावल बनाए जाते हैं उबाल के पोसा के। लेकिन ये वाले जो चावल बनते हैं ये ऐसे ही अच्छे लगते हैं, और ये बहुत झटपट बनने वाला काम है। और यहाँ पे ये मैंने निकाल दिया है गाय के लिए, लगभग ये मेरे बन चुके थे लेकिन अभी थोड़ा सा मतलब पानी सूखना बाकी था, तभी मैंने गाय के लिए निकाल दिया, क्योंकि भूख का टाइम हो चुका था और मुझे लगा चलो मैं खाना डालूंगी जब तक कि इसकी भाप निकल जाएगी गाय वाले की, फिर गाय को पहले दे के आके और फिर मैं खाना डाल मतलब चावल डाल दूंगी। मम्मी के और निश्चय के लिए आज ये बनाए थे, हमें इतने पसंद नहीं है, मम्मी ने बोला था कि मीठे चावल खाने का मन है, तो उन्हीं के लिए आज बनाए थे। और यहाँ पे ये मैं आ चुकी हूँ बाहर, चौक में बैठ चुकी हूँ। दोपहर बाद का ये टाइम होगा, 2-3 लगभग इतने ही बजे होंगे, और मटर छीलने के लिए यहाँ पे मैं बैठ चुकी हूँ। और आपको पता ही है मैं अपने मोस्टली काम यहाँ बैठ के कर लेती हूँ, और ये चौक मेरे इतना काम आता है, इतने काम आता है कि मतलब अंदर जो छोटा घर है, क्योंकि कमरे आपको पता ही है 2 ही हैं, तो उसकी कमी ये महसूस नहीं होने देता, क्योंकि यहीं पे मेरे बहुत सारे काम हो जाते हैं। कपड़े धोना भी बाहर ही हो जाता है मेरा, अंदर तो कपड़ों का कभी फैलता ही नहीं है काम। और यहाँ पे ये सब्जी काट लेना, खिचड़ी साफ़ कर लेना, दाल साफ़ कर लेना, कुछ भी सुखाना, गद्दे वद्दे कपड़े सुखाना, सब काम यहाँ पे हो जाते हैं मेरे, मतलब क्योंकि चौक काफ़ी बड़ा है तो इसलिए। और अच्छा भी लगता है यहाँ बैठ के काम करना, चाहे मैं हरी सब्जी की बात करूं, या फिर मैं ये मूली की भुजी काटनी हो, या मटर छीलनी हो, या मुझे बाजरे की खिचड़ी कूटनी हो, मैं यहीं बैठ के सारे काम करती हूँ। बहुत तेज़ धूप होती है तो देखो मुझसे नहीं बैठता बैठा जाता, आज ये जाती हुई धूप है, हल्की भी धूप है तो इसलिए मैं बैठी हूँ। अगर तेज़ वाली धूप होती है तो मुझसे नहीं बैठा जाता। और सबका खाना पीना हो चुका है इस टाइम तक, इन्होंने भी खा लिया था, मम्मी ने चावल खा लिए थे और रह गई थी बस मैं, तो अभी मुझे भी भूख लग आएगी। और चलो अब चलते हैं भाई किचन में। मुझे ना थोड़ी सी भूख लगाई है क्योंकि लंच का टाइम हो चुका है, सबने लंच कर लिया, बस एक मेरा ही रहता था, तो अभी बीच में मैं आ गई अपना लंच करने के लिए। सबसे पहले तो बनाऊंगी, क्योंकि आज मैंने अपनी रोटियां बना के नहीं रखी, मेरा थोड़ा सा मन हो रहा था आज की मैं गरम गरम रोटियां खाऊं, तो इसलिए अब साथ ही अपनी रोटियां बना लूंगी। आज अपनी रोटियां थोड़ी गरम गरम सी बना लेती हूँ मैं, और ये वाला कपड़ा आज मैंने इसलिए ढक रखा है आटे पे, क्योंकि बाकी सारे जो किचन वाले जो मेरे टावल है नैपकिन वो मैंने धो दिए हैं, ये भी हल्का सा गंदा हो रखा है लेकिन उतना नहीं था जितने वो सब हो रहे थे, तो वो चिकने चिकने से भी हो रहे थे, तो इसके लिए मैंने उनको धो दिया है पहले। और अब मैं अपनी रोटियां सेक लेती हूँ। आलू गाजर मटर की सब्जी और थोड़ा सा गुड़, तो लीजिए पहले आप खा लीजिए फिर मैं खा लेती हूँ। क्या कर रहा है? तो क्या बात बता रहा था मेरे को जब आवाज लग, तो वीडियो देखती रहती है, आप क्या करते हो? कौन? मेरी मम्मी वीडियो देखती है, आप क्या करते हो हर बार? ऐसे ही देखती रहती है बस, मैं क्या करती हूँ। हाँ। अच्छा, हर बार देखती रहती है। अरवंशु, मैं तो देखता हूँ लेकिन थोड़ी देर में सो जाता हूँ। थोड़ी देर देख के सो जाता है, फिर पूरी क्यों नहीं देखता?
मम्मी तो पूरी देखते रहते, मैं काम करता रहता हूँ। अच्छा अभी तो कह रहा है मैं सो जाता हूँ, अभी कह रहा है मैं काम करता हूँ। हाँ लेकिन काम करके सोता हूँ। काम करके सोता है। अच्छा कर दे। बाय बाय। और सर्दियों का सीजन शुरू होते ही हर औरत को मतलब इस प्रॉब्लम को तो फेस करना ही होता है कि बस कपड़े सुखाने की हमें इतनी टेंशन हो जाती है, इतनी टेंशन हो जाती है, हे भगवान अब कपड़े कैसे सुखाएं, क्योंकि धूप हल्की निकलती है और निकलती भी कई कई दिनों में है, तो अब 2 महीने तो ऐसे ही निकलने वाले हैं दिसंबर और जनवरी के। तो यहाँ पर जो सूखे वाले कपड़े थे वो मैंने उतार दिए हैं और जो मतलब पूरी तरह से सूख चुके हैं सिर्फ उनको ही मैं उतारूंगी, क्योंकि जो जिस साइड में निश्चय की अभी ये टी शर्ट्स मैंने सुखा रखी हैं वहाँ पे हल्की हल्की सी मतलब धूप की परछावा सा पड़ रहा था, तो मुझे लगा चलो यहाँ पे फैला देती हूँ इन कपड़ों को। और ये सूट मैंने नहा के लास्ट में धोया था तो इसलिए इसको मैंने ऐसे ही सुखा दिया है बिना ड्रायर के। और यहाँ पर मैं ये मोटे वाले कपड़े अब निकाल लाई हूँ जो कि बिल्कुल लास्ट चक्कर में धुले थे, मतलब अब धुले तो ये 2 बार में थे लेकिन सुखाए मैंने एक ही साथ थे ये। और यहाँ पे ये कपड़े हैं जींस इनकी और चद्दरें, तो चद्दर भी आज 2 हो गई थी, एक मेरी एक मम्मी के बेड की, तो दोनों चद्दरें मैंने धो दी थी कि चलो आज तो मौसम खुल तो रहा है थोड़ा सा, कम से कम धुंध तो नहीं है। और जब तक मैं ये कपड़े सुखाती हूँ तब तक मुझे आ गई है निश्चय की आवाज़, तो अब मैं जाऊँगी निश्चय के पास क्योंकि वो सोके उठ चुका है, तो उसके थोड़े से लाड लड़ाने पड़ेंगे अभी। जी भाई यहाँ पे निश्चय सोके उठ चुका है और निश्चय को मैंने बोल दिया है कल मैं जाऊँगी नानी के और निश्चय को नहीं लेके जाऊँगी क्योंकि निश्चय कर रहा है, क्या कर रहा है अंशु बताइयो? बोल रहा था अमन अज्जा। हाँ शैतानी कर रहा था, उसको हटा रहा था अपने पास से इसलिए, और अब निश्चय अच्छा बच्चा बनेगा तो जाएगा वरना नहीं जाएगा। बता निशु कैसा बच्चा बनेगा? अच्छा अच्छा बनेगा। अब सबके सामने बोल रहे हो फिर सब गुस्सा हो जाएंगे अगर अच्छे बच्चे नहीं बने तो, है ना अंशु? गंदा बिल्कुल अच्छा अच्छा बनेगा, दोनों अच्छे बनोगे। हाँ, ये तो गंदा बनेगा, ये गंदा बनेगा अच्छा, ये तो गंदा बनेगा और ये अच्छा बनेगा देख लो भाई ये तो लूडे कर रहा हूँ। कैसा मजाक कर रहा है तो चलिए आज की इस वीडियो को मैं यहीं से एंड कर देती हूँ। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पर अगर मेरे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन बनाएगा उसको याद से प्रेस कर लेना। और मिलूंगी मैं आपसे कल मतलब कि अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। क्या मुझे अच्छे लग रहे हो आप? मुझे बहुत अच्छे लग रहे हो और मैं आपको बहुत प्यारी प्यारी। कैसी मम्मा हूँ मैं? प्यारी 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 मम्मा हूँ। कैसी होती है प्यारी प्यारी? ऐसी होती है पतली वाली। पतली वाली? हाँ मैं पतली हूँ। हाँ आप पतली हो मम्मा? हाँ पतली। आपको पतली मम्मा पसंद है क्या? हाँ और मोटी बोर्डन जी। जैसे अभी आप मेरे को प्यार कर रहे थे ऐसे करना प्यारी प्यारी करके। प्यारी प्यारी मम्मा। प्यारे प्यारे बेटा। मारी चब्बी सुनाओ आप तो। चब्बी शेक्स? हाँ सुना दो। चाबी चीज पिंपल चिन्ह रोजी रिप्स टेट विदिन डल्ली हेयर वेरी फेयर आई डा ब्लू अपनी टू डिजिट्स टी जेट यू यस 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 आई लव यू। आई लव यू। बाय बाय। बाय बाय। गुड नाइट। और टानी सुनाओ रेंजन दो। नहीं अब मुझे नींद आ रही है। बाय।